हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो अकेला एक नुस्खा आपकी कम से कम 5 स्किन प्रॉब्लम्स को जड़ से दूर करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज जिस नुस्खे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अखरोट। अखरोट सभी लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका सेवन करते हैं। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इसका सेवन करना भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अखरोट एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ब्यूटी टॉनिक भी है। दोस्तों, अखरोट का प्रयोग स्किन की कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज हम आपको वही नुस्खा बताने जा रहे हैं। पहला फ़ायदा, झुर्रियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है अखरोट। दोस्तों, अखरोट को दरदरा सा पीस कर उसका स्क्रब तैयार कर लें, फिर चेहरे की अनचाही लकीरों और झुर्रियों को दूर करने के लिए आप अखरोट के इस स्क्रब का प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार इस स्क्रब का प्रयोग करने से चेहरे की अनचाही रेखाएं और झुर्रियां बिल्कुल चेहरे से गायब हो जाएंगी और आपके चेहरे की स्किन में कसावट आएगी और आपका चेहरा फिर से 10 साल जवान हो जाएगा। दोस्तों, ये चेहरे की झुर्रियों को मिटाने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। दूसरा फायदा, मुहासों की समस्या के लिए अखरोट बहुत ही गजब की दवा है। अखरोट का पाउडर बना लें और फिर इस पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर मुलायम सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। जहां पर भी मुहासे हो रहे हों या मुहासों के दाग धब्बे हों, उन सारी जगहों पर इस पेस्ट को अच्छे से लगाएं और ऐसा आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करें। बहुत जल्दी ही आपका चेहरा चमक उठेगा और आपके चेहरे से मुहासे और मुहासों के दाग बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप इसको पेस्ट को अपने चेहरे के ऊपर लगा लें और ये जब सूख जाए, 1 घंटे के बाद अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से या ताजे पानी से धो लें। ये आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा ही करना है। तो ऐसा करने से आपके चेहरे से मुहासे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तीसरा फायदा, चेहरे के अनचाहे बालों को दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर आप चेहरे पर ज़्यादा बालों से परेशान हैं तो फिर इसके लिए अखरोट का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अखरोट के पेस्ट को नीचे से ऊपर की ओर लगाइए और फिर कुछ देर बाद हल्के हाथों से इसे मसलते हुए उतार दें। ऐसा करने से बालों की ग्रोथ रुक जाती है और यदि आप इसको 3-4 बार इसी तरह से अप्लाई करें तो बाल निकलने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और आपके अनचाहे बालों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चौथा फायदा, दोस्तों, डार्क सर्कल दूर करने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों, नींद की कमी के कारण डार्क सर्कल होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। दोस्तों, इसके अलावा खाने पीने की अनियमितता से भी ऐसा हो सकता है। आंखों के नीचे के इन काले घेरों को ख़त्म करने के लिए अखरोट का पेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह आंखों को ठंडक देने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी एकदम सही रखता है और इससे आंखों के नीचे के काले घेरे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए आप 1 या 2 अखरोट जरूरत के अनुसार लें और उसको बारीक पीसकर दूध के साथ मिलाकर बारीक और मुलायम सा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे हैं उनके ऊपर लगाएं और 1 घंटे के बाद इसको धो लें। तो इससे आपकी आंखों के जो काले घेरे हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये नुस्खा भी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। और 5वां फ़ायदा, काले दाग धब्बों को चेहरे से दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दोस्तों, हफ्ते में कम से कम 2 बार अखरोट का पेस्ट प्रयोग करके आप चेहरे के सभी दाग धब्बों से आज़ादी पा सकते हैं। ये चेहरे को साफ करने के साथ साथ आपके चेहरे का रंग भी निखारता है और आपके चेहरे को कुदरती खूबसूरती प्रदान करता है। दोस्तों, इसके पेस्ट को आप यदि चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो चेहरा आपका गुलाब की तरह कुछ ही दिनों में खिल उठेगा और बहुत ही खूबसूरत ग्लो आपके चेहरे पर होगा। दोस्तों, चेहरे के इन तमाम समस्याओं के लिए आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हम इसके नुकसान की बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये नेचुरल चीज़ है, इसका साइड इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप दूध के साथ
पेस्ट इसका ना बना पाएँ तो पानी की सहायता से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। वैसे दूध के साथ, कच्चा इसमें दूध लेना है बिना बॉयल किया हुआ, दूध के साथ यदि आप इसका पेस्ट बनाते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपके चेहरे को चार चांद लगाने के लिए ये अकेला एक अखरोट ही काफ़ी है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे ये वीडियो और बताए गए टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।